ये है जी मेरी तरफ से सिल्विया के भाई को तोहफा, समझ रहे हो। हम पोलैंड में हैं तो भैया समझ रहे हो, अब तोहफे ऐसे ही दिए जाएंगे भैया। तो बिकॉज ही इज़ अ वेरी बिग यू नो फैन ऑफ दिस फार्मिंग एंड एवरीथिंग, तो भाई के लिए एक ट्रैक्टर उसी के कलर का जो उसके पास है। एक 70% एल्कोहल तो बनती है भाई, बीमबर देसी दारू यहाँ की। Today is a big number because it's his 30th 30th बर्थडे। birthday. So, and he doesn't drink actually. हाँ, So, तभी हल्का रखा है। वी जस्ट he's ओनली more ओनली for you 70% guys. एल्कोहल और एंड लिटिल बिट है। सिल्विया जी की तरफ से जो गिफ्ट है वो थोड़ा एलिगेंट है ऑब्वियसली, सिल्विया के टेस्ट जैसा, यू नो क्लासी लग रहा है वैसे है ब्रेसलेट। तो नमस्कार भाइयों और बहनों, क्या हाल चाल है भाई। बर्थडे जब आई थिंक 18 तारीख, 18 भी नहीं मैं बोलूंगा, 20 21 जब पार हो जाता है बर्थडेज में, तो फिर आई थिंक आपको धीरे धीरे दुख होने लगता है। मैं कोई इतना हैवी एडवोकेट नहीं हूँ बर्थडे मनाने का, बट भाई 30 साल के जब आदमी हो जाता है, रिमेम्बर माई 30th, तो मतलब वो एक ऐसा टाइम होता है जिसमें ना तो आपको बच्चा माना जाएगा और ना तो आपको बड़ा माना जाएगा। सिल्विया तो बिकेम एडल्ट व्हेन शी वाज 5 ईयर्स ओल्ड ओनली। ज्ञान बजी इतनी देती है ना कभी कभी। तो वी वर इन्वाइटेड टू हिज बर्थडे, तो हमने कहा चलो आपके साथ शेयर करते हैं। सिल्विया के भाई को बिल्कुल भी पता नहीं है इस बारे में, तो ये काफी सरप्राइज टाइप ऑफ सिस्टम होने वाला है। तो चलिए साथ में जुड़िए हमारे, और चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो जी निकलते हैं, लेट हो गए हैं। तुम्हारा भाई वो भी लेके आया है बंटिंग, और वो है समझ रहे, पुराने दिन याद आ गए मेरे को, छोटे छोटे बंटिंग और वो क्या बोलते हैं उसको, हेड बैंड, क्या व्हाट इज इट कॉल्ड, हाथ, हाँ हेड। हैप्पी बर्थडे टू यू। एक कन्फेटी तो बनती है, पटाखे पटाखे तो बनने चाहिए, बनने चाहिए यार। भाई यहाँ पे अलर्ट आ गया सैलाब का, इतनी गंदी बारिश गिर रही है ना भाई, अभी थोड़ी रुक गई है बट सुबह से भाई हैवी बारिश। हमने ड्रेन सिस्टम बनाया भाई, वो जो बना रहे थे हम लास्ट व्लॉग में, आई डोंट नो कि वो, क्योंकि अभी आधा ही बचा हुआ है, बट हमने पाइप्स कनेक्ट कर दिए, अभी फिलिंग नहीं की है उसकी ना वो एरिया की। तो आई होप कि भाई सैलाब से डूब ना गया हो, सब खराब ना हो गया हो, काफी मेहनत करी है जैसा आप लोगों ने देखा है वीडियो में। कुछ कुछ एरियाज में तो पोलैंड के जैसे जहाँ पे क्लाउडिया रहती है, आई थिंक शी माइट बी कमिंग बैक, वहां तो बोल रहे थे कि भाई बहुत 3-3 4-4 फुट पानी जमने वाला है। तो वी हैव टू गो टू सम सुशी प्लेस है, सुशी कलेक्ट करनी है। यस बिकॉज़ हिज वाइफ शी ऑर्डर सम सुशी, सो वी आर जस्ट गोइंग टू गेट टू कलेक्ट इट। शी ऑर्डर सम मीट प्लैटर्स, हां काफी मीट होगा, सम केक, आई डोंट नो, थोड़ा बाय द वे भी शायद आज हो ही जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि एड्रियन जो है ना उसके पापा जो है ना काफी हैवी ड्राइवर है। तो बंदा ना भाई क्या बताओ तुम्हें, लास्ट टाइम आए थे घर, चलते हैं देखते हैं। मैं भाई देखो पीना पूना तो भाई मैंने छोड़ दिया है बिल्कुल भी, तो बस बर्थडे दिखाएंगे तुमको, हैप्पी बर्थडे कैसे होता है, हैप्पी बर्थडे करेंगे, केक वेक खाएंगे, खाने वाने दिखाएंगे तुमको, एंजॉय करो, तुम भी एंजॉय करो, हम भी एंजॉय करते हैं। बाय नो डाउट द ड्रेनेज सिस्टम इज एब्सोल्युटली अमेजिंग सिल्विया है। आई थिंक इट्स बीन रेनिंग फॉर द पास्ट 4 आवर्स कंटिन्यूसली, और अभी जस्ट रुकी है हाफ एन आवर बैक, आई थिंक दिस रेन स्टॉप्ड फॉर आई थिंक 1 आवर बैक, एंड लुक एट द रोड्स मैन, भाई कुछ भी नहीं है, पानी पूनी ही नहीं है भाई रोड पे कहीं, ये क्या चक्कर है। ड्राई हो गया पूरे यार, पोलिश रोड्स, जर्मन रोड्स आई थिंक आर प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट रोड्स इन यूरोप जो मैंने देखी है, बहुत अच्छा रोड नेटवर्क, जर्मन रोड्स आर रियली नाइस एज़ वेल, हां उनका ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत तगड़ा है, और पोलैंड की भी भाई रोड्स बहुत तगड़ी है, मोटरवेज तो इनकी भाई मक्खन है पूरी। और ऐसे ओकेजन जब होते हैं बर्थडे पार्टी पूटी, तो तू पता है तुम्हारा भाई एकदम लाइट रखता है सिस्टम, कल रात को भी भाई खाना बहुत लाइट खाया, आज सुबह भी नाश्ता भाई स्किप कर दिया, समझे तुम, करना पड़ता है भाई, करना पड़ता है। मेरे को याद आ गया टाइम अपने लंदन में ना, एक बूफे था, और बूफे वाले ना भाई मतलब हैवी बूफे चलता है कहीं कहीं रेस्टोरेंट्स में, स्पेशली चाइनीज वाइनीज रेस्टोरेंट जो है लंदन में, तो वहाँ भाई तुम्हें सेंट्रल एरिया में जाओगे ना, 5 पाउंड 7 पाउंड का बूफे अनलिमिटेड खाओ, कुछ तो गड़बड़ करते होंगे भाई वो खाने में, कुछ सिरका विरका या कुछ तो ज्यादा डालते हो, कि भाई 7 पाउंड मतलब बहुत अच्छी डील होती है, और खाना भी अच्छा, क्रिस्पी चिकन और ये सब वो सब। तुम्हारा भाई जब जाता है भाई, सुबह कुछ नहीं खाया, जब हम स्टूडेंट होते थे भाई 7 पाउंड में मतलब भाई समझ रहे हो, तुम्हारा भाई तकड़ा भाई जिम भी चल रहा होता था, तो भाई तुम्हारा भाई ब्रेकफास्ट एकदम स्किप, लंच एकदम स्किप, भाई रात को जाते थे भाई जो खाते थे, ओहो भाई वो बंदे मुझे लगता है हमारी शक्ल देखते थे ना भाई, तो उनका एकदम चेहरा ना वैसे वेलकमिंग फेस भी होता है रेस्टोरेंट में, वैसे करके साला कोई खुफिया सुशी प्लेस है भाई ये, इन द मिडल ऑफ नोवेयर, ये भाई पुराने टाइम के घर पोलैंड के जैसे होते थे भाई, अभी भी हैं काफ़ी, एक्चुअली भाई अच्छी वैल्यू है इनकी भी, बट ये सारा ना पुराना एरिया है, ओल्ड पोलैंड टाउन है ये इस एरिया का, बट कैसे कलर है देख रहे हो, येलो पिंक, हाँ yeah,
बट सिल्विया आई वी इन द राइट प्लेस. यही है सुशी, सुशी यहाँ पे रैंडम. ये रहा. नाउ आई रिमेम्बर भाई, रैंडम एक जगह पे भाई सुशी प्लेस है, नोवा सुशी. पर लेकिन सुशी बहुत तगड़ी है. आई लाइक सुशी बट मेरी फेवरेट इनमें से ना सिर्फ फ्राइड सुशी है. एक तो कैलिफोर्निया वाली, वो टेम्पुरा वाली आती है प्रॉन वाली. भाई आजकल घर बन रहा है तो ये चीजें देख के तुम्हारा भाई एक्साइटेड होता है. ये ना बेसिकली जिग है. सो जैसे वो स्कर्टिंग बोर्ड्स होते हैं ना, जो वो कॉर्नर पे रूम्स के लगे होते हैं, वो जो पट्टी होती है, तो वो पट्टी हम इन्हों लगाने वाले हैं. तो बेसिकली उसको काटने हैं, तो ये एंगल्स एकदम परफेक्ट होते हैं. वी हैड वन बट दैट वॉज वेरी स्मॉल, तो मुझे ना एक बड़ी प्यारी सी दिखी ऑनलाइन, तो ये ऑर्डर की. और इसमें ये भी है, सो ना आप यहाँ पे लगा के एकदम एंगल फिक्स कर सकते हो कि आपको किस एंगल में वो पट्टियां लगानी है, स्कर्टिंग्स लगाने हैं टॉप पे. हाँ क्या हुआ, इतनी सारी सुशी, एक बैग गायब कर लेते सिल्ली. अगेन एंड अगेन यू नो आई एम टेलिंग, क्योंकि ये चीज एक्चुअली बहुत हैरानी की है. यूके में भी नहीं होता है भाई इतना, कि द लेवल ऑफ क्लेनलीनेस इन पोलैंड भाई, मतलब एक कचरा नहीं है भाई रोड पे, पता नहीं भाई, मतलब अलग ही लेवल है. नॉट इवन आप लेट सकते हो भाई, इवन ऐसी जगह पे देखो जहाँ पे ना लैंडस्केपिंग इतनी तगड़ी नहीं है, बट फिर भी भाई कचरा कहीं नहीं है भाई, कहीं पे भी नहीं, समझ रहे हो. तो ये आ गए भाई हम अद्रियान के गांव में. ये इनका गांव है. पोलैंड के गांव गांव जैसे लगते नहीं हो भाई, बहुत ही नाइसली बिल्ड. आई थिंक दीज आर दीज ओल्ड हाउसेस, यहाँ पे काफी नए नए घर भी बने हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर साफ सुथरे घर है भाई. घरों के साइज देखो यहाँ पे, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े घर हैं लोगों के. साला क्या ही गांव है भाई बताओ. ये तो हमारे यूके, ये लंदन में भी है सिल्विया, ग्रेटर लंदन से तो बेटर यहाँ के गांव है. तो एड्रियन भी अपना घर बना रहा है, तो ही उस वो तो बिल्कुल ही अपना स्टार्टिंग स्क्रैच से बनाया है उसने. हमने तो फिर भी बिल्डर से काफी ढांचा ले लिया ना सारा, तो भाई बिल्डर नहीं बनाया, हम तो अंदर का काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत और बाहर का. बट ही हैज मेड द हाउस कम्प्लीटली बाय हिमसेल्फ, किसी की एक्सटर्नल हेल्प नहीं ली है. और भाई बहुत अच्छा घर बन रहा है इसका, एंड इट विल बी टू फ्लोर्स आल्सो, दिखाएंगे आपको. बहुत तगड़ा घर बना रहा है. देख लो भाई यहाँ की गाय कैसी होती है, पोलैंड की, काफी बड़ी है साइज में. तो ये है भाई इनका घर. आंटी इज नॉट हियर येट, हाँ पहले फ़ोन करके पूछ ले भाई, पता चले हम पहले ही ना हो, अभी सरप्राइज, मतलब क्योंकि सरप्राइज हो रखा है ना. तो ये घर है भाई जो बना रहा है, एंड दिस ऑल लैंड इज़ हिज ओनली. वो देखो वहाँ तक ना सारी ज़मीन इसी की है, और भी ज़मीनें हैं इसकी, बट एक्चुअली ये इसके पीछे भी आई थिंक दे हैव अ लॉट ऑफ फार्मिंग गोइंग ऑन. साला सफ़ेद जूते पहन के नहीं आना चाहिए भाई. तो चलो सुशी अंदर रखवा देते हैं भाई. आई थिंक द सरप्राइज इज़ गोइंग एज पर प्लान है. तो कैरोलिना ने, उसकी वाइफ ने, so far so good. I don't know what time Adrian will be here. Yeah. Auntie is running late. सब लेट हैं. She will be here in 15 minutes. She's collecting that meat platter. मीट प्लेटर, खाना वाना सारा ना सिस्टम. This looks so beautiful कि अभी ऐसे ना ढांचे के ऊपर ऐसे सारे वो बंटिंग्स वगैरह लगाए हुए हैं, तो इट लुक्स रियली रियली नाइस. चिप्स का फ्लेवर देखो भाई, स्पाइसी चिकन जहर, मुझे लग रहा है बाय द वे होने वाला है भाई यहाँ पे. तो ये इनका बैकयार्ड है, तो दिस ऑल, ये सारी इनकी जमीन है भाई. क्या घर है भाई, यहाँ से चलोगे भाई आधा किलोमीटर तो कुछ चलने में लग जाएगा. आई थिंक ही इज़ डूइंग सम फार्मिंग हियर. अभी शायद फार्मिंग सीजन ख़त्म हो गया, वो लेफ्ट में भी भाई बहुत सारा है. तो यहाँ पे शायद आलू वालू उगाते हैं भाई ये लोग. बहुत भूख लग रही है, कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ ना मैं ही जानता हूँ भाई. और ये है केक एड्रियन का, पूरा रिवील होगा अभी. और वेरी नाइस, मुझे बहुत सही वाइब लग रही है यार, कितना कूल लग रहा है ऐसे ना, कंस्ट्रक्टेड हाउस के ऐसे वाइब, एक थीम लग रही है. Hey Silly, it looks like a theme birthday, like this, you know, with this structure and everything. अरे मम्मी आ गई एड्रियन की, मतलब आने वाला है एड्रियन. चल सिल्विया, I think he's about to come. चलो चलो भाई, let's get ready. अरे भाई, तब बच्चे लग रहे भाई, लग रहे बच्चे हुए लोग. भाई ये रहा केक, it looks beautiful यार. Raspberry and what is it? Berry. Raspberry and? Berry. Just berry. Blueberry. Raspberry and blueberry. केक तो जहर लग रहे भाई. Yes, Adrian.
think Adrian is in shock. Doesn't pata nahi bhai ye kya ho raha hai. He didn't expect that. Crying. Oh really? Hey, relax. Tu kyun ro rahi hai? Why are you crying? Har jagah center of attraction tere pe banna hota hai kya? Yeah. Welcome to the 30s club. It will be different now. Thank you so much. Oh, like a man, samajh rahe ho? फिर से कहना लक्ष्य मतलब आप यू नो कॉन्ग्रेचुलेशंस और आप जियो हजारों साल. तो बेसिकली दिस इज लाइक यू नो एक पूरी ट्रॉली है, देख रहे हो कितनी बड़ी है. दैट्स जस्ट गॉट टूल्स इन इट. लाइक दिस गाय लव्स लाइक यू नो मैकेनिकल स्टफ, समझ रहे हो, टूल्स और मशीन. मतलब ये बंदा ना प्यार करता है लिटरली. मैकेनिकल इंजीनियर मैं हूँ, लेकिन भाई असली जो पैशन है ना भाई, ये बंदे में है भाई इन सब चीज़ों का. तो कैरोलिना ने, उनकी वाइफ ने, शी गॉट दिस लाइक प्रॉपर टूल सेट. तो दुनिया का हर टूल है बेसिकली इसके अंदर. ओह लुक एट दैट, देख रहे हो भाई क्या लग रहा है, ये सारे पाना वाना सब कुछ है. ओह डैम, इधर खजाना है. असली गिफ्ट तो हमारा ही है भैया. Я так. Как же это шип? Так? Вот. Хотя же подобно мне, а вот мне. Yeah, similar. Oh really? भाई दारू देखो भाई कितनी सारी है भाई. ये है बीम्बर 70%. पिएगे भाई. अंकल ने बोला है क्योंकि लास्ट टाइम ना मैंने अंकल के साथ नहीं पिया था. टुडे ही सेइंग आज सिर्फ बीम्बर पिएगा भाई. तुम्हारे भाई का सिस्टम एकदम नॉर्मल समझ. चिकन ये हो गया, पोर्क शोल्डर्स ये हो गए तुम्हारे, फ्रेंच फ्राइज, और ये वाले हो गए बेक्ड पोटैटोज. तो जहर भाई जहर. मैं कोशिश करूँगा दारू ना पीने की, बिकॉज भाई ओ हो, क्योंकि खाना तो जहर है भाई. क्योंकि भाई मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं दारू नहीं पी रहा हूँ. कितनी तेज बारिश स्टार्ट हो गई देख रहे हो. Oh damn. ये सारी रूफिंग ना अभी कर रहे हैं ये लोग ना, ये सब इन्होंने इसने किया है, एड्रियन और इनके पापा ने सारा का सारा खुद किया है. तो ये थोड़ा ना फैंसी टाइप रूफिंग बनाने वाले हैं. जूस के ग्लास में बीम्बर चल रही है भाई यहाँ पे. क्रैनबेरी की दारू है भाई, क्रैनबेरी 70%. ये अंकल का स्टाइल अलग है भाई. ये पिंक पिंक करके ना गेम खराब कर देंगे. नजद्रोविया नजद्रोविया नजद्रोविया. चलो भाई झांझ में सब लोग. सिल्ली तू नहीं पी रही, यू नो ड्रिंकिंग. अच्छा गाड़ी कौन चलाएगा? पापी ना बगो तकी. ओह दिल कर नहीं है, दिल कर नहीं है, दिक्कत है तो बोलना पड़ता. ओह भाई आग भाई आग भाई. एक बिंबर ने मेरा यार पीता तो मैं हूँ, बट क्या हो गया भाई. ये गैराज में इन लोगों ने ना गाड़ी ठीक करने के लिए ये पूरा वो बनाया हुआ है, लेकिन इसकी अंदर जो सिस्टम है वो बेसिकली सिर्फ दारू है भाई. देखो कितनी सारी, सिर्फ बीम्बर बीम्बर बीम्बर. एज यूजुअल हर पार्टी में सिल्विया वो वाली टाइप का पर्सन है जिसको केक काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है. शी इज मोनिका. मतलब अगर मोनिका का एक पोलिश वर्जन होता तो यही है वो. सब ने भाई सीधा बोला कि नहीं सिल्विया ही काटेगी भाई, वही बेस्ट है इस मामले में. ओ तो बहुत सुंदर केक है यार. अरे बहुत सुशील केक है, काफी सुशील है. ओह डैम भाई मैं केक लेने क्या गया भाई, मेरी ड्रिंक फिर रेडी हो गई भाई. ये बंदे का भाई प्लान है मुझे लगता है पूरा मुझे टल्ली करने का. अंकल कह रहे जूस है. 7th 8th हो गया यार, 70-80% है यार सिल्वे. हाँ यार मलाक मलाक में ही हो गया भाई. अभी तो इनकी पार्टी स्टार्ट भी नहीं लग रहा है भाई. खेल ना जाओ भाई, मैं वहाँ के सब लगता तो रोज का जैसा है. देखिए शक्ल से लोग नशे में भरने, और यहाँ पे भी सिल्विया ज्ञान दे रही है भाई, सिखा रही है हर चीज. लर्निंग लर्निंग विद सिल्विया मोनिका. सिल्विया द मोनिका. वो देखो भाई सीख भी गई, बच्ची सीख भी गई. सिल्ली Silly is proud now. Hey teacher. All attacked ho gayi bhai. LED LED se to aur zyada chad rahi hai bhai. Dekh ke na upar ajeeb sa lag raha hai. Nas Drovia. Yes sir. बच्चे की पार्टी हो, बड़े की पार्टी हो, पोलर ना रहे हो, तो ये चीजें याद रखना कि हर जगह दारू ही दारू मिलने वाली है. बहुत पीते भाई ये लोग हर ओकेजन, बस ओकेजन चाहिए भाई इनको. भांडे भांडे भाई पता ही है लोगों को. बट दैट्स व्हाई भाई आई डोंट ड्रिंक एट ऑल नाउ, बिकॉज आई नो कि महीने में एक दो बार तो ऐसे ओकेजन हो ही जाते हैं कि इनके सिल्विया के रिश्तेदारों के साथ भिड़ना पड़ जाता है. ओ
भाई ये बंदा रुकने नहीं वाला है भैया, निकलना पड़ेगा भाई माँ कसम, मुझे हो रहा है भाई कुछ जब चलो भाई फायर वर्क्स भाई चलो 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 finally out. सिल्ली ज्यादा ही लंबी पार्टी खींच गई भाई. Oh, they are still standing there. Yeah. बोल रहे थे रात को भी ये वही रुक जाओ, they were saying stay there, वही पे रहो. आजकल मेरा ये सिस्टम हो गया भाई, कोई ईगो ड्रिंकिंग नहीं, मैं भाई रुक गया जहाँ पे मेरी लिमिट है. आई थिंक दैट्स हाउ इट शुड बी, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली भैया. क्यों वो सिचुएशन लेनी कि तुम उल्टियां करो नाली में पड़े हो, जरूरत नहीं है. तो मजा आया, इट वॉज सो मच फन, एंड आई होप कि आप लोगों को भी थोड़ा यू नो पोलिश कल्चर और ऐसे त्योहारों के बारे में थोड़ा पता चल रहा है और चीजें पता चल रही हैं कि कैसे सेलिब्रेशंस होती हैं. नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ यू नो दे हैपन इन आवर कंट्री एज वेल. तो काफी सिमिलर चीजें हैं, काफी सिमिलर इथोस हैं. मजा आया. तो आशा करते हैं आपको भी मजा आया. अगर चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं एक नए व्लॉग पे और क्या. तो सिली जी जाने से पहले वुड यू लाइक टू से समथिंग, कैसा लगा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आई रियली एंजॉयड इट, सो मच फन. आई रियली लव दिस फैमिली गैदरिंग्स एंड यू नो थिंग्स आर सो सिंपल, यू डोंट नीड लाइक अ ब्लिंकी प्लेसेस, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स, यू जस्ट नीड योर ओन पीपल, द यू नो द एटमॉस्फियर लाइक फिल्ड विद लव, people that you love, good food. Yeah, and food was very nice. The party was amazing. yeah. Sorry. Amazing. Guys, we have to go home very quickly because if the leakage comes from one end, it's going to come from the other end. I don't want you to मेरा मजाक रात को 12 बजे में मेरा मजाक मिलते हैं. Whatever you say. Thank you for watching, and I'm rushing home because someone needs to visit the pooping station. Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho, kisne jana.